अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एजुकेशन कॉर्नर की तरफ से, और आज हम बात करने जा रहे हैं अल गाजी ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी, एक बहुत अच्छी कंपनी। आज मैं इस कंपनी के शेयर्स की एनालिसिस करूँगा, लेकिन शेयर की एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं, इस वक्त मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। वी ऑल नो के पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन है या ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं है। IMF ने लोन देने से रोका हुआ है, सो दिस इज अगेन अ बिग चैलेंज। जब तक IMF आपको लोन नहीं दे देता, यानी पाकिस्तान को जब तक IMF लोन नहीं दे देता, तब तक पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं होगी, क्योंकि IMF लोन देगा तभी उसके बाद जो आपके बाकी फ्रेंडली कंट्रीज हैं लाइक UAE, सऊदी अरब एंड चाइना, ये भी आपको तभी लोन देंगे, इससे पहले ये आपको लोन नहीं देने वाले। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरऑल कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है, ऐसे में आई वुड से ओवरऑल ये वेट एंड सी सिचुएशन है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत हाई रिस्क होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर रिस्क से इश्क है, यानी अगर आपको ग्रो करना है तो रिस्क से इश्क करना पड़ेगा, तो आपको जो है हाई रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस वक्त जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो वो डूबेंगे या तो बहुत कमाने वाले। थोड़ा सा मार्केट इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है और शायद थोड़ी और नीचे आ जाए मार्केट, इट्स अ गुड टाइम कि आप जो है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस, और आज जैसे कि मैंने बताया मैं बात करूंगा AGTL अल गाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर में फॉल करता है। AGTL सिर्फ ट्रैक्टर्स ही नहीं बनाता बल्कि जनरेटर्स और दूसरी मशीनरीज भी बनाता है, बट इनका मेजर काम जो है वो ट्रैक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। सो ट्रैक्टर का जो काम है लाइक इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, 22.64 बिलियन इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रिसेंटली शेयर की प्राइस डिक्लाइन की तरफ है, 5 रुपीज से इस शेयर की जो प्राइस है वो डिक्लाइन हुई है। अगर मैं 52 वीक्स एक साल की बात करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 315 इसका लोवेस्ट रहा है और 470 तक हाई बनाए पिछले एक साल में। 6 मंथ्स में 334 से 453 रहा है, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन इस शेयर में देखने को मिली है पिछले 6 महीने से लेके एक साल में। लेकिन अगर आप इसका बीटा देखेंगे ऑन अदर हैंड, इट्स लेस देन 1, और बीटा अगर 1 से कम है इसका मतलब ये है कि ये शेयर जो है मार्केट के मुकाबले में, अगर मार्केट 10% से डिक्लाइन होती तो शेयर अपनी प्राइस जो है वो 7% से डिक्लाइन करता है। तो वो लोग जो मार्केट के सिनेरियो को अगर हम देखें कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन इस वक्त नजर आ रहा है, स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट, यानी 2%, 3%, 4% से मार्केट नीचे आ रही है, तो उस केस में मैं समझता हूँ कि इस तरह के शेयर जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो वो लोग जो रिस्की शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं, तो AGTL कैन बी अ गुड ऑप्शन। फेस वैल्यू इसकी 10 नहीं 5 है, विच मीन्स कि अगर ये 10% अनाउंस करता है डिविडेंड तो आपको वो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम बात कर चुके हैं, फ्री फ्लोट शेयर काफ़ी कम है, ज़्यादातर इसके शेयर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने हाथ में रखे हुए। लेट्स मूव डाउन टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशोज, जो ये है लाइक क्विक रेशोज या लिक्विडिटी रेशोज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप देख सकते हैं करंट रेशो बहुत अच्छा चल रहा है, 2022 फर्स्ट क्वार्टर का 1.96 है, विच मीन्स कि इस वक्त इस शेयर को परचेज किया जा सकता है शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से। क्विक रेशो 0.98 ऑलमोस्ट 1 है, थोड़ा सा ऊपर होता तो और अच्छा होता जस्ट लाइक करंट रेशो। क्विक रेशो कम होने का मतलब ये है कि कंपनी के पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इसका क्विक रेशो 1 से नीचे आ रहा है। बट अगेन एज आई सेड, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो ट्रैक्टर्स की डिमांड हमेशा ही रहती है। सारी बात है कि इन्वेंट्री ऐसा नहीं स्टॉकअप हो जाएगी
इकोनॉमी अभी स्लो डाउन है, जिस वजह से प्रॉब्ली ये चीज हमें देखने को मिल रही है, बट डेफिनेटली इकोनॉमी जो है इम्प्रूव, आई मीन इस कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो सेल आउट डेफिनेटली हो जाएगी। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ इनकी सॉल्वेंसी रेशियो की, तो सॉल्वेंसी रेशियो भी जो है कुछ बुरा नहीं है। टोटल डेट टू इक्विटी देख सकते हैं, नॉट परफेक्टिव, बट टोटल डेट टू एसेट्स अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म डेट्स कंपनी ने इतने ज़्यादा नहीं दिए हुए, और लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन टोटल डेट टू भी अगर मैं देखूँ, यानी शॉर्ट टर्म डेट काफ़ी है, लेकिन स्टिल कंपनी हैज इनफ एसेट्स टू मीट देयर टोटल डेट्स। जो कंपनी का कर्जा है वो कंपनी जो है आसानी से अपने एसेट्स को सेल आउट करके पे कर सकती है, तो शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी चीज़ ये है, स्पेशली कॉमन स्टॉक शेयर होल्डर्स जो उनके लिए अच्छी चीज़ इस शेयर के अंदर ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, आप जो शेयर बाय करोगे उसमें आप ये देख सकते हो 66% जो है वो एसेट्स है, और एसेट्स जो है वो टोटल डेट को कवर कर रहे हैं। तो अगर कल को कंपनी लिक्विडेट होती है, इसके एसेट्स को सेल आउट करना पड़ता है, तो डेफिनेटली कॉमन शेयर होल्डर जो को कुछ ना कुछ अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं इसकी अर्निंग जो है 19.99 की, 300 रुपये वाला शेयर, 350 रुपये वाला शेयर है ये, 350 से 400 रुपये वाला शेयर, उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर की सही है इसकी। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिविडेंड पे आउट स्ट्रक्चर की। डिविडेंड पे आउट की बात करूं, साल में एक बार ये डिविडेंड देते हैं। 2021 में इन्होंने लाइक मई में, 5 मई 2021 को इन्होंने डिविडेंड दिया था, और रिपोर्ट 426% यानी लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 42.6 है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्योंकि 5 है तो हम इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 21 रुपीज़ का इन्होंने शेयर दिया था, 21 अप्रॉक्सीमेट। इसी तरह इस बार 1020, विच मीन्स अगर मैं इसको 10 से कर दूं तो 102, और 51 रुपीज़ का इस बार इन्होंने शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, बट स्टिल ओवरऑल मैं समझता हूँ कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो बहुत अच्छा है। और अगर ये आपको 350 के आसपास मिल रहा है, 370-380 में मिल रहा है, और आपको साल के अगर ये 30 रुपये से 50 रुपये डिविडेंड दे रहा है, तो वो लोग जो डिविडेंड कमाना चाहते हैं और शेयर को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं और डिविडेंड लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सब मेरी शेयर के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।